How are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. So part one में हमने देखा कि सभी के नाम होते हैं. Everyone, everything has a name. और ये जो name है, that means ये जो words हैं, naming words कहलाते हैं, right? इन्हीं naming words को हम grammar की language में nouns भी कहते हैं. Chapter 2, naming words. आज हम पढ़ना शुरू करेंगे. Naming words are the names of persons, places or things. Naming words, that means नाम वाले शब्द, वो नाम होते हैं जो किसके होते हैं, या तो persons के, that means व्यक्तियों के, या फिर हम उनको इंसान भी कह सकते हैं. Places के, that means स्थान के, या फिर हम उसको जगह भी कह सकते हैं. और things, that means सामानों के, शुद्ध हिंदी में उसको वस्तु कहते हैं. तो हमारे पास ये एक डेफिनेशन है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक रूल है कि नेमिंग वर्ड्स क्या हैं. वो वर्ड्स जो किसी भी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, या फिर किसी सामान का नाम हो. In the language of grammar, we call them nouns. Grammar की लैंग्वेज में हम इनको nouns कहते हैं. Okay? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि persons. Persons means व्यक्ति या इंसान. Well, अभी तक हम सोच रहे थे कि व्यक्तियों के नाम, जैसे कि रीना, मीना, टीना जैसा होगा, या फिर रोहित, मोहित होगा, या फिर कृष्ण, राम, ये भी हो सकते हैं, है ना. लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर, नर्स, टीचर, प्योन, ये सब भी पर्सन्स हैं. और ये इनका जो डेजिग्नेशन होता है, दैट मीन्स ये जो काम करते हैं ना, इनका भी ये नाम नेमिंग वर्ड में आता है. हम इनको भी नाउंस में काउंट करते हैं. अब ये तो डॉक्टर, नर्स, टीचर और प्योन की बात हो गई. पायलट भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं जो इस तरह के काम करते हैं. जैसे कि अब देखो, डॉक्टर और नर्स होते हैं, लेकिन साथ ही वार्ड बॉय भी होते हैं, राइट. टीचर होती हैं, वैसे ही प्रिंसिपल भी हैं, पियोन है, जस्ट लाइक दैट ऑफिसर्स हो सकते हैं. वो सब भी किसी ना किसी इंसान के बारे में आपका, आपको बताते हैं, उनकी पहचान बताते हैं, या उनका नाम बताते हैं. तो ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं. अब आती है बारी प्लेसेस की. प्लेसेस क्या हो सकती हैं? पार्क. पार्क भी तो एक जगह का नाम है ना. हम पार्क घूमने जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हम हाउस में रहते हैं, हम टेंपल जाते हैं. अब इस तरह की जगहों के नाम भी नेमिंग वर्ड्स में आते हैं. अब और कौन कौन से प्लेसेस होती हैं, सोचो. वेल, हॉस्पिटल भी होते हैं, या फिर कोई जगह, कोई सिटी, जैसे कि देवास, इंदौर, उज्जैन, है ना. ये सब प्लेसेस के नाम हो गए, तो ये भी नेमिंग वर्ड्स हो गए. अब इन सब जगह में जो फेमस जगह है ना, जैसे देवास में टेकड़ी, टेकड़ी भी एक जगह का नाम है, तो वो भी एक नेमिंग वर्ड हुआ. लाइक उज्जैन में महाकालेश्वर, वो भी एक टेंपल का नाम है ना, तो वो भी प्लेस हुई, और इसीलिए उसको भी हम नेमिंग वर्ड में काउंट करते हैं, राइट. वेल, आपने दिल्ली का नाम सुना है, या फिर आगरा का, या कोलकाता का, या मुंबई का, ये सब क्या हैं, सिटीज़ के नाम है ना. ये सारी सिटीज़ भी, या सिटीज़ के नाम भी प्लेसेस हैं. इसलिए दीज आर ऑल्सो नेमिंग वर्ड्स, और वी कैन कॉल इट नाउंस, राइट. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थिंग्स. अब थिंग्स, वेल, जैसे सबसे पहले मेरे हाथ में क्या है, पेंसिल. पेंसिल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड, ठीक है ना. फिर कार है, कार्ट है, टैप है, टेप है, ये सब के सब सामानों का नाम है ना, इसलिए ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं, राइट. लाइक बुक, बुक इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. पेन, पेन इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. इरेजर भी हो सकती है, कॉपी भी हो सकती है, नोटबुक भी हो सकती है, बॉटल भी हो सकती है, ये सारी की सारी थिंग्स के नाम हैं, इसलिए ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं.
तो अभी हमने इस चैप्टर का पेज नंबर 9 ये पढ़ा और इसमें हमने देखा कि सब तरह के नाम नेमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज करने के लिए आप सब रेडी हैं? ओके बेबीज़, तब तक के लिए बाय बाय। मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी शेयर करूँगी।